विधायक केपी त्रिपाठी का एक बार फिर पुराना रूप देखने को मिला है। इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि रीवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक अपने एक दर्जन समर्थकों के साथ दोपहर करीब 12 बजे उर्राहट स्थित बद्रिका मोटर के पास पहुंचे, जहां खोली जा रही शराब की दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। इस दौरान विधायक के साथ ही कई आपराधिक हत्या जैसे आरोप में वांछित युवक भी शामिल रहे, जिनके सहयोग से विधायक जी ने दुकान संचालक का सर फोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और घंटों स्थानीय लोग दहशत में रहे। जब तक पुलिस पहुंची तब तक विधायक के गुंडों ने जमकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की। इसके बाद अचानक रीवा इलाहाबाद रोड बद्रिका मोटर्स के सामने कुर्सी रखकर धरना दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया और लहूलुहान दुकान संचालक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। घटना की जानकारी लगते ही आबकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ ही एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिनके साथ भी विधायक ने आपत्तिजनक भाषा में बात की। जिस तरह से सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी ने दुकान में घुसकर मारपीट की और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, कानूनन इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते इन दिनों शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो रतहरा में खोली जा रही शराब की दुकान में सिमरिया विधायक की पार्टनरशिप है, जबकि उर्राहट संचालित दुकान में सिमरिया से पूर्व विधायक अभय मिश्रा के पीए बताए जाते हैं, जिसके चलते ये सिमरिया विधायक को नागवार गुजरा। और लोगों का कहना है कि उर्राहट की दुकान से रतहरा दुकान शराब की बिक्री कम हो जाएगी, जिसके चलते विधायक को सड़कों पर उतर कर उग्र रूप धारण करना पड़ रहा है। आप विधायक का वीडियो देखकर स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि सिमरिया विधायक अपने क्षेत्र को छोड़कर रीवा विधानसभा में किस तरह से गुंडागर्दी की है। हमने विधायक से बात की तो उन्होंने मारपीट और अन्य मामलों में बोलने की बजाय पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो कि किस तरह से दर्जनों विधायक के गुंडों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे घायल को और विधायक के पित्र पाठी को भी। दुकान नहीं खुलेगी, कहाँ है दुकान, सामान कहाँ, शराब कुछ नहीं है, यहाँ नहीं खुलेगी। यदि जनता नहीं चाहती, जनता से बड़े शराब माफिया तुम लोग नहीं हो, जनता को धमकाओगे नहीं आके? हम किसी को धमका नहीं, क्या धमकाए कल गुंडे बुला के? एक भी गुंडा कोई नहीं आया, धमकाया है। ये आप लोग गलत बात कर रहे हैं। जनता धरने में नहीं बैठने दोगे, शराब माफिया बैठे ना, हम तो 2 दिन शराब में बैठे, किसी को कोई बोलने नहीं जा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं करिए प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, मैं पैसा लगा यार, एक मिनट, एक मिनट, अरे नहीं, अरे अरे लगा दिया, गलती ना करना, गलती नहीं करनी, मैं आवाज से हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए, कुछ नहीं, ये केपी त्रिपाठी के गुंडे आकर क्या मारपीट किए हैं और तोड़ डाले हैं, कुर्सी उर्सी भी तोड़े हैं और मालिक का हमारे सिर्फ फोड़ डाले हैं, काले हैं। उसके तहत उर्राहट दुकान हमको अलर्ट हुई है सरकार की तरफ से। सरकार ने हमें एक सुनिश्चित स्थान बता दिया कि आपको यहाँ पे दुकान खोलनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। उस दुकान मतलब जहाँ पर वो है, ये आपको उर्राहट में ही खोलनी है। वहाँ का अगर आप बिजली बिल देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे, तो उर्राहट का ही शो करता है, उर्राहट ही दर्शाता है। जितने बिजली मीटर लगे हैं सब उर्राहट के नाम से लगे हैं। तो हम लोग अपने दुकान में कल मानस था, मानस कर रहे थे और मानस आज पूर्ण आहुति हुई या भोजन वोजन की तैयारी चल रही थी, तभी 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे केपी त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है जो कुल्हाड़ी के बेंट होते हैं 100-200 नए बेंट, वो गाड़ी में रख के लाए थे। 250 गुंडे थे उनके पास, केपी त्रिपाठी जी के पास, केपी त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, जिससे हमारे 4-5 लोगों के सर फट गए हैं, जिनका कि इलाज आपके सामने ही अंदर गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के खिलाफ जाकर के आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। भैया हम ये पूछना चाहते हैं केपी त्रिपाठी जी से कि ये शासन आपकी सरकार ने ना लाइसेंस दिया होगा, मोटी रकम आपके सरकार ने ना लिया है, तो आपके सरकार ने जब पैसा लिया तो मना करें ना आप,
आप विधायक है, आपकी सुनवाई होगी। आप मना करें केपी त्रिपाठी जी जाकर के शिवराज सिंह को कि आपको आबकारी विभाग ही खत्म करना है, दारू का कोई दुकान रीवा में नहीं खुलेगी, ऐसा आप बोलिए। आप खुद लाइसेंस दे रहे हैं और केपी त्रिपाठी ने भी मारपीट की, मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है, और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाए उनने, पूरे रोड के जाम कर रहे हैं। रोड में कोई अगर अपने काम से बाहर जा रहा है उसको मार कर थपाड़ा मार करके बाइक वालों को रोक रहे हैं। पुलिस वाले वहां पे सामने थे, पुलिस बल कम था, सामान थाना के 4-5 कर्मचारी आए, 4-5 अधिकारी आए थे, उनके सामने ही मारपीट की इनने, उसकी फुटेज भी है हमारे पास। अब वो 4-5 थे, वो गुंडों के सामने पकड़ धकड़ कर रहे थे वो लोग। शराब को लेकर के उनकी दुकान खुल रही है? नहीं, जो आर्या ग्रुप की दुकान समान नाका में खुल रही है उसमें केपी त्रिपाठी जी का भी धन लगा हुआ है, जिसके कारण जो है वो चाह रहे हैं कि ये दुकान यहाँ से हट जाए तो हमारी बिक्री ज्यादा हो, उसमें उनका परसेंट है। मेरा विपिन त्रिपाठी नाम है। इसमें घायल कौन कौन हुआ? घायल हुए हैं जेपी गौतम जी, पंकज जी हुए हैं, और हमारे दो और कर्मचारी थे जो सेल्समैन थे जो काम कर रहे थे। गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपका व्यापारी खुद प्रभावित हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, मेरा क्या व्यापारी? रतहरा में दुकान खुल रही, उसका भी विरोध होगा क्या? हो सकता है, जनता में चले थे। कहीं भी जनभावना के विपरीत यदि दुकान खुले, ऐसी दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मैं शराब माफिया का विरोध पिछले 2 सालों से लगातार, जब से मैं विधायक बना हूं, करता आ रहा हूं। मेरे इसमें कोई व्यापारी हित नहीं है। जो शराब माफिया जिनकी आप बात कर रहे हैं महोदय जी, प्रोटेक्ट जिनको कर रहे हैं, उनको पूछिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट मत करिए, समाज के साथ खड़े हो। सर ये मामला आपके साथ मारपीट नहीं हुआ, शराब की दुकान में लोग मारने पीटने की कोशिश की गई, हमारे लोगों ने उनको रोक लिया। गाली गलौज भी आपके साथ।